अब हम वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। द वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल ए ड्यू टू अ डायरेक्ट करंट इन अ कंडक्टर इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए जेड माइक्रोवेबर्स पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट एलिमेंट एट 1, 2, 3। तो अब ए का एक्सप्रेशन जो हमें दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए जेड माइक्रोवेबर्स पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और हमें मालूम है कि बी इज ऑलवेज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए होता है। मतलब अगर इस एक्सप्रेशन का हम कर्ल फाइंड कर लेते हैं तो हमें बी की वैल्यू पता चल जाएगी, बी का एक्सप्रेशन हमें पता चल जाएगा। माइक्रोवेबर्स होने की वजह से 10^-6 लिया, कर्ल ऑफ ए का एक्सप्रेशन इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। जब हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो एक्स डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए एक्स हो जाएगा और प्लस माइनस डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए वाई डायरेक्शन का हो जाएगा इंटू 10^-6 होगा ही। जब इससे डिराइव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं तो ये 2yax मिल रहा है और ये -2xay मिल जाएगा। अब हमें 1, 2, 3 पर बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वाई की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट की तो 4ax और एक्स की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट की तो 2 × 1ay 10^-6। तो एक्सप्रेशन बी का आया 4ax - 2ay 10^-6। अब हमें फाइंड करना है एच। तो बी इज इक्वल टू म्यू एच हमें पता है, एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू हो जाएगा 1/4πε⁴π × 10^-7। हमें फ्री स्पेस में फाइंड आउट करना है। बी का एक्सप्रेशन 4ax - 6ay 10^-6 है। तो सॉल्व किया है तो पूरा एक्सप्रेशन एच का 3.98ax - 4.77ay एम्पियर्स पर मीटर आ गया है। तो इस तरीके से हम वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल का यूज करते हुए बी एच ये सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं।